नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी ये क्वेश्चंस जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अक्सर देखा होगा आपने यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए होते हैं, वही आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, तो उसी से कुछ आपके ज्योग्राफी के जो बिल्कुल एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर हम आपके साथ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक वैसे जैसे प्ले स्टोर पर जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी ऐप को, उसी तरीके से भी डाउनलोड होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और गोल सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल शुरू हो जाएंगी। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप किसी भी टाइम कहीं से भी लाइव रिकॉर्डेड कोई भी आप कहीं से भी देख सकते हैं। आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा इस पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यानी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ बहुत कुछ आपको यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो वगैरह सब मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो आपके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके आपको यहाँ पर रिमार्क्स भी मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं स्वप्निल अग्रवाल, मनोज कुमार झा, ये CTO UPPCS, ये है आपके UPPCS 2018 में। तो इन लोगों के आपके रिमार्क्स भी मिलते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखो UPPCS 2018 में सेलेक्टेड हैं, ये 2016 में सेलेक्टेड हैं। तो इसी तरीके के आपको यहाँ पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके रिमार्क भी मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अभी जो यहाँ पर प्लस पेड जो प्लस कोर्स है वो 12 महीने के साथ 3 महीने फ्री दिया जा रहा है आपको, यानी अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 3 महीने का फ्री में मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा, यानी यहाँ पर आपको 2 साल में मतलब 28 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो है ये फ्री मिनी कोर्स जो है उन्नत, इसका नाम है लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए 22-23 सितंबर, जैसा कि आप देख रहे हैं धनंजय सर और मयंक श्रीवास्तव सर और ये सक्सेना सर, इन लोगों का जो है ये तीन इसमें टीचर्स के द्वारा ये कोर्स चलेगा 22 और 23 में। बैच कोर्सेज की बात कर लेते हैं तो आपको लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स, जिसमें आपको अमरनाथ सर मिलेंगे हिंदी के लिए और बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं अपर सबॉर्डिनेट, लोअर सबॉर्डिनेट, RO, UPSI, PET, लेखपाल, BO, ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब आपको यहाँ पर चल रहे हैं। साथ ही साथ लगातार यहाँ पर नए नए बैचेज भी बनते रहते हैं। जो पेड कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बढ़ चुकी है, जैसा कि आपको पता है 22 तारीख से बढ़ गई। पहले जो ये 8400 थी फीस 2 साल की, अब यहाँ पर 13600 हो गई, यानी 13600 रुपये जो फीस है, जैसे कि 12 महीने की फ़ीस आपको यहाँ पर दिख रही है 9350 रुपये, 6 महीने की 7650 है, 3 महीने की आपको 4250 है और 1 मंथ की 1700 रुपये है। आफ्टर डिस्काउंट यानी जो 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको रेफरल कोड से, तो ये रेफरल कोड है लाइव नूर, इसको जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी, और छूट मिलने के बाद ये फ़ीस हो जाएगी आपकी 12240, ये हो जाएगी 8415, ये हो जाएगी 6885, ये हो जाएगी 3825, ये हो जाएगी आपकी इसमें से 153 रुपये, ये 1700 है, ये हो जाएगी 1533 रुपये। ये तो हो गया डिस्काउंट के बाद। लेकिन अगर आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लास देखी तो आपको क्रेडिट मिले होंगे, तो अगर आपके पास क्रेडिट हैं तो आपको क्रेडिट से मैक्सिमम 10% की छूट और मिल सकती है, लेकिन वो तब जब आपके पास क्रेडिट होंगे। जो लोग यूपी और बिहार की एक साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर ये है
कि यहाँ पर याद रखिएगा कि यूपी और बिहार को तैयारी करने वालों, एक ही साथ दो राज्यों को एक सब्सक्रिप्शन से कवर किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ कभी भी अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी ऐसा वीडियो देखते हैं जो कि आपको लगता है इसमें कुछ ऐसा कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, तो आप इसे तुरंत क्लेम कीजिए, आपको अनअकैडमी देगा एक बेहतरीन इनाम इस बात के लिए, ताकि आपने इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से आप देखते हैं। फ्री क्लासेस की अगर हम लोग बात करें, एक सवेरे फ्री क्लास 10 बजे चल रही है जिसमें आपको करंट अफेयर्स मिलता है, एक फ्री क्लास रात 9 बजे है जिसमें आपको कंप्लीट जीएस मिलती है, ये टेस्ट सीरीज है। तो आज का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर कुछ ये है, और ये वो सवाल हैं जो कि आपके आयोग ने पिछले एग्जामों में पूछे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, निम्नलिखित किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब। देखिए आप लोग यहाँ से ऐसे इसको समझेंगे। जैसे ये है आपका, यहाँ से देखते हैं दक्षिण, यहाँ से जैसे ही हवाएं इक्वेटर को पार करती हैं तो ये दाहिने मुड़ जाती हैं। जब ये दाहिने मुड़ जाती हैं तो आप देख रह पा रहे होंगे ये दो शाखाओं में बंट जाती हैं। ये वाली शाखा जो कहलाती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, और ये कहलाती है अरब सागर की मानसून शाखा। दोनों ये, अब यहाँ पर पश्चिमी घाट पड़ता है तो यहाँ पर तो ये खूब बरसात कराती हैं, लेकिन ये एरिया रेन शेडो में आ जाता है, तो यहाँ पर जो है ये बरसात कहाँ नहीं होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से, वो तमिलनाडु में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तमिलनाडु ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम मानसूनों का प्रवाह नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो बरसात होती है वो लौटते हुए मानसून से बरसात होती है, इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात लौटते हुए मानसून से होती है, ना कि आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगले सवाल पे आते हैं, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की दोनों शाखाओं से बरसात होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, यानी दोनों शाखाओं से बरसात कहाँ पर होती है? तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर देखेंगे ये दक्षिण पश्चिम मानसून ब्रांच है, ये ऐसे ही, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा, दोनों ये शाखाएं आपस में पंजाब में मिल जाती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? पंजाब में। तो एक क्वेश्चन अक्सर ये भी पूछ लेता है कि अरब सागर की मानसून शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा जो है वो दोनों कहाँ पर मिल जाती हैं, तो याद रखिएगा दोनों की दोनों आपकी पंजाब में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? पंजाब में मिल जाती हैं। अगला है, कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, जो कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा बरसात होने का कारण है वो देखते हैं। चलिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोरोमंडल तट ये है, यहाँ पर जैसा भी हमने आपको बताया था, यहाँ पर होता क्या है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात नहीं प्राप्त करता है क्योंकि ये पश्चिमी घाट पड़ जाता है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जो बरसात होती है वो रिट्रीटिंग मानसून, यानी इसी को हम लोग लौटते हुए मानसून से बरसात भी कहते हैं, तो ये रिट्रीटिंग मानसून या लौटते हुए मानसून से बरसात होती है इस वाले रीजन में, तो याद रखिएगा। तो कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और ये टाइम जो होता है वो शीतकाल का होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं जाड़े में वर्षा होना। अगला है, भारत वर्ष में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये क्वेश्चन अभी आपका पीजीटी में पूछा गया था, ज्योग्राफी का जो पीजीटी एग्जाम हुआ था, पीजीटी और टीजीटी इन दोनों में पूछा गया था। पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय, भारत के जो सबसे ज्यादा बरसात वाला क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र है और मेघालय है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। ये जो एरिया देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और विदर्भ, यहाँ पर तो बहुत कम बरसात होती है, यानी ये वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश
प्रदेश में। दिल्ली में सबसे ज्यादा तापांतर का कारण होता है अल्प वर्षा, कर्क रेखा के निकट, मरुस्थल के निकट या समुद्र से दूरी। तो देखिएगा, जैसे जैसे आप किसी भी जगह से, यानी किसी भी समंदर से किसी भी स्थान की जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो ज़्यादा होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मान लो समंदर से बहुत जितना दूर जो कोई होगा, वहाँ पर उतना जाड़े में ज़्यादा जाड़ा होगा और उतना ही गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसीलिए दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा तापांतर का मेन जो कारण है वो है समंदर से दूरी। इन समंदर से दूरी जितनी होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। तो सबसे जो है कम बरसात जो होती है वो होती है लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक, तो लेह लद्दाख में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बरसात होती है। रही बात बेलारी, ये कर्नाटक में है, ये दोनों राजस्थान में है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? यानी कर्क रेखा की जगह अगर विषुवत रेखा होती तो इसकी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ठीक, कर्क रेखा की जगह विषुवत रेखा होती तो क्या प्रभाव पड़ता? तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर ऐसे देख लो, ये है कर्क रेखा। अगर यहाँ पर ये विषुवत रेखा होती तो विषुवत रेखा के ऊपर सूरज सीधा पड़ता है, सीधा पड़ने की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है और साथ साथ बरसात भी बहुत होती है, यानी अधिक तापमान और अधिक वर्षा होता। मानसूनी जलवायु की विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या होती है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा? नहीं। मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा? नहीं। मूसलाधार एवं संवहनी वर्षा? ये भी नहीं। मानसून एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है इसका मतलब ये होता है हवाओं का ऋतु परिवर्तन, यानी एक बार हवाएं ऐसे, एक बार हवाएं ऐसे। तो मानसून एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है हवाओं का ऋतु परिवर्तन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से, या लौटते हुए मानसून शाखा से। तो भारत के जो उत्तरी मैदानों में जो बरसात होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये विक्षोभ आपके भूमध्य सागर और उसके आसपास एरिया में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ। अगला है आम्र वर्षा है क्या? है आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार बंगाल और मार्च अप्रैल में होने वाली आम्र वर्षा, होने वाली आम की फसल क्या है? तो देखो, जो आम का वर्षा का मतलब है आम्र बौछार, और ये जो बिहार बंगाल मार्च में, अब मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा की बात कर रहा है, तो उसे कहा जाता है काल बैसाखी। यानी जो बिहार बंगाल में जो बरसात होती है उसे काल बैसाखी कहते हैं, लेकिन ये प्री मानसून रेनफॉल होती है, यानी मानसून से पहले की जो स्थिति होती है उसी को हम लोग यहाँ पर प्री मा यानी काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होगी? तो अभी हमने बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि ऐसे देख सकते हैं,
तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इस एरिया में तो बरसात होती है, लेकिन तमिलनाडु वाले में नहीं होती है। तो चेन्नई में सबसे कम बरसात होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, सबसे कम बरसात अगर कहीं होगी तो वो चेन्नई में होगी, क्योंकि चेन्नई पड़ता है कोरोमंडल तट पर, और यहाँ पर जो बरसात होती है वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है, यानी लौटते हुए मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा का मुख्यतः कारण क्या है? देखो ये ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये है पश्चिमी घाट। अब यहाँ पर जो बरसात होती है ये काहे की वजह से होती है? ये पश्चिमी घाट की वजह से होती है, क्योंकि समंदर से जो नमी लदी हुई हवाएं जैसे ही आगे पहुँचती हैं इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर जम के बरसात करती हैं। अगला है, अक्टूबर का गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? यानी अक्टूबर में जो गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? वो भारत में गंगा के मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, गलत। उच्च आर्द्रता के साथ समृद्ध ताप ऊंचा तापमान, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है वो तो ज़्यादा होती होती है, साथ साथ टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो बहुत उमस वाली गर्मी होती है, यानी जिसे हम लोग चिपचिपी गर्मी कहते हैं, बहुत बेचैन कर देती है। एसी के अलावा कूलर तो काम ही नहीं करता। मानसून शब्द किस भाषा से है? हमने अभी शुरू में एक क्वेश्चन पे बताया था कि मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। और इसका ये मतलब होता है कि हवाओं का ऋतु परिवर्तन, इन हवाओं का अल्टा पल्टी। ठीक, तो ये अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है हवाओं का ऋतु परिवर्तन। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो कौन सा है? वो तमिलनाडु है। ऐसे अगला है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो किस में प्रवेश करता है सबसे पहले, जरा देखो। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये है, और सबसे पहले देख रहे होंगे कहाँ पर ये एरो दिख रहे हैं, ये वाला एरिया, और ये कहलाता है मालाबार तट। और मालाबार तट को क्या किस राज्य के तट को कहते हैं? केरल के। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान, अरब विद्वान ने किया था? तो
ये किया था अल मसूदी ने। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो अल्लिनो तो भारतीय मानसून को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम भी बहुत प्रभावित करती है, ये भी प्रभावित करता है, ये गर्म जलधारा है। ये प्रभावित नहीं करता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला में अधिक ठंड क्यों? क्योंकि शिमला की ऊंचाई ज्यादा है। अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने पर -6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय झंझावात। गलत। उत्तर पश्चिम में यह पश्चिमी विक्षोभ, ये कहाँ उठते हैं? भूमध्य सागर के पास। भारत में वर्षा का औसत कितना है? यानी भारत का जो एवरेज रेनफॉल है वो है 118 सेंटीमीटर। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों में से निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि मानसून से पहले होने वाली वर्षा, मानसून से पहले होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? बंगाल बिहार में काल बैसाखी। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी मानसून से लौटते हुए, मानसून से इसका मतलब होता है लौटता हुआ। तो मानसून से लौटते से अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में, क्योंकि इसका तट का नाम कोरोमंडल है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहां पर वर्षा सबसे अधिक होती है? अक्टूबर और नवंबर मतलब शीतकाल में। ये जो है अक्टूबर नवंबर में बरसात कहाँ होती? कोरोमंडल तक। भारत में सबसे अधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होते हुए मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, संवहनी वर्षा से। भारत में सबसे ज्यादा मुख्य वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? ये उत्तर पश्चिम मानसून से, नहीं सॉरी दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी भारत में जितनी भी बरसात होती है उसका 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से, और 80% इधर से, 20% इधर से।
ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो देखो, जैसे ये लोकल विंड होती हैं, जैसे उत्तर भारत में हम लोग कहते हैं लू, तो कहीं कुछ कहा जाता है तो कहीं कुछ कहा जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो उत्तर भारत में इसे लू कहा जाता है, जैसे इटली में इसे सिराक को कहते हैं, मिस्र में खामसिन कहते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में पवने चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में पवने कैसे चलती हैं ऐसे, यानी सागर से जमीन की ओर। और शीतकाल में किधर चलती है? जमीन से सागर ओर। ये गलत, जल से थल को चलती है। भारत में नमक का उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? देखो, कह रहा है नमक का उत्पादन, तो नमक के उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है वो है गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान भी हुआ, वो करता है नमक का उत्पादन, लेकिन गुजरात नंबर एक है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष राज्यों का क्रम क्या है? यानी लो कच्चा लोहे की बात करता है अगर, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो उत्पादन की अगर बात करता, भंडारण की बात करें तो ये, उत्पादन की बात करें तो ये। भारत में नमक का उत्पादन का शीर्ष राज्य क्या है? तो नमक का उत्पादन, वही क्वेश्चन घूम के आ गया, ये है गुजरात। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन क्रम बताएं। कच्चे तेल के अगर उत्पादन की बात करेंगे तो असम, गुजरात, राजस्थान, ये जो हो जाएगा गलत, ये है गलत, और ये भी गलत। सही आंसर है ये डी वाला। भारत में हीरे का भंडारण और उत्पादन का शीर्ष राज्य कौन है? यानी हीरे के उत्पादन में और भंडारण में नंबर एक राज्य कौन सा है? तो हीरे के भंडारण और उत्पादन में शीर्ष राज्य पूछ रहा है, तो शीर्ष राज्य यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, झारखंड। तो ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज में खान पड़ती है, इसका नाम है पन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट खान है। और हीरे का कारोबार सबसे ज्यादा सूरत में होता है। भारत में लौह अयस्क का भंडार में शीर्ष भंडारण की बात करता है, वहां पर उत्पादन था, तो भंडारण में अगर पूछ ले आपसे तो भंडारण में याद रखना है सबसे ज्यादा भंडारण जो है वो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये है। निम्नलिखित में से मैग्नीज का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य तो है वो है, शीर्ष उत्पादक मैग्नीज का, तो छत्तीसगढ़ नहीं, हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको मिलेंगे यहाँ पर पीडीएफ क्लास के लिंक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हर आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हाँ, घंटा दबाना ज़रूर बिल्कुल ना मिस करिए। और स्पेशल क्लासेस रात मॉर्निंग में 10 बजे और रात में 9 बजे, ये टोटल फ्री है। एक पेड क्लास चल रही है जो कि 5 बजे होती है, इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी मिल रही है, तो आप लोग इसे ज्वाइन करिए। और ये 10% छूट पाने के लिए लाइव नूर रेफरल कोड को यूज़ करिए और 10% का डिस्काउंट पाइए। मिलेंगे फिर भी नए वीडियो में। धन्यवाद।